हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। आपने ध्यान दिया होगा कि जब एक फ्राइंग पैन को आप फ्लेम पे रखते हैं, यानी कि गैस पे रखते हैं, और गैस को जब स्टार्ट करते हैं तो वो फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लेम में जो हीट होती है वो यूटेंसिल्स यानी कि इस बर्तन में, जो कि यहां हमने क्या यूज किया, फ्राइंग पैन, इसमें पास हो जाती है। वेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। और जब आप फ्राइंग पैन को हटा देते हैं फायर के ऊपर से, फ्लेम के ऊपर से, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा कैसे होता है, क्यों होता है? द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा कि जो फ्राइंग पैन है वो अभी गर्म है, और उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, जो आसपास का माहौल है, जो वातावरण है, वो उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है। तो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है अपने आसपास की सराउंडिंग में, और इस तरीके से वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो हीट होती है वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही फ्लो करती है। जैसे पहला केस क्या था कि हमने फ्राइंग पैन को रखा फायर के ऊपर, अब फायर में हीट है और फ्राइंग पैन पहले स्टार्टिंग में तो ठंडा रहा होगा, तो जो हीट थी फायर की, जो फ्लेम की हीट थी, वो ट्रांसफर हुई, वो फ्लो हुई किसमें, उस फ्राइंग पैन में, और फिर वो धीरे धीरे गर्म हो गया। और जब हमने फ्राइंग पैन को फायर से यानी फ्लेम से हटा लिया, अब उसके बाद क्या हुआ, अब फ्राइंग पैन ज्यादा गर्म है और उसके आसपास की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होता है, तो अब जो फ्राइंग पैन की जो हीट है वो अब ट्रांसफर होगी अपने आसपास की सराउंडिंग में और धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हर तरह के केस में जो हीट से रिलेटेड है उसमें हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ही ट्रांसफर होती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम चेक करेंगे कि हीट फ्लो कैसे करती है, ट्रांसफर कैसे होती है। अब हम एक्टिविटी 4.6 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो हीट होती है, जो भी हमने पढ़ा था कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, ये किस तरीके से होता है। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। अब एल्यूमिनियम या आयरन की आप रॉड ले लीजिए या एक फ्लैट स्ट्रिप ले लीजिए। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड, और उसके बाद आप इस पे छोटे छोटे टुकड़े लगा दीजिए वैक्स यानी मोम के। देखिए यहां पर ये दिखाया गया है, ये एक रॉड है और इस पर ये छोटे छोटे आप ये टुकड़े लगा देंगे वैक्स यानी के मोम के। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेज, और आप इन पीसेस को ऐसे लगाएंगे कि ये लगभग एक जैसे डिस्टेंस पर ही होने चाहिए, सबकी दूरी एक दूसरे से एक समान होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लैंप द रोड टू अ स्टैंड। अब इस रोड को आप एक स्टैंड के साथ फिट कर दीजिए। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो इस रोड को या इस फ्लैट स्ट्रिप को आप क्या कर सकते हैं, दो ब्रिक्स के बीच में ऐसे सेट कर सकते हैं जैसे यहां पर ये डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब इस रोड के इस दूसरे एंड के नीचे आप यहाँ पर ये कैंडल जलाएंगे जिससे कि इस रोड को हीट मिलेगी, और उसके बाद हमें देखना है कि इस अब क्या होगा। What happens to the wax pieces? अब wax pieces यानी मोम के इन टुकड़ों के साथ क्या होता है? Do these pieces begin to fall? क्या ये pieces गिरना शुरू कर देते हैं? Which piece falls the first? तो सबसे पहले कौन सा वो टुकड़ा है वैक्स का, मोम का, जो गिरता है? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हीट है वो इस एंड की तरफ से, जो कि फ्लेम के पास है, रोड का ये वाला एंड जो फ्लेम, इस आग, इस फायर के पास है, क्या आपको ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि हीट यहां से ट्रांसफर हो रही है दूसरे एंड की तरफ?
अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फायर है उसके पास ये वाला एंड है इस रोड का। अब सबसे पहले ये ज्यादा गर्म होगा और जब ये गर्म होगा तो ये किस तरफ हीट ट्रांसफर होगी, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से यानी जो हॉटर साइड है, जो गर्म वाली साइड है, वहां से उस तरफ ट्रांसफर होगी जो कि ठंडी साइड है। तो हीट इस तरीके से आगे जाएगी। तो सबसे पहले ये वाला जो वैक्स का टुकड़ा यहाँ पर था ये पिघलेगा क्योंकि इसे हीट मिलेगी, फिर इसके बाद हीट और आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये भी धीरे धीरे पिघल के नीचे गिरेगा, ऐसे हीट यहाँ से आगे इस तरफ ट्रांसफर होती जाएगी। तो यही हमने अभी तक सीखा है इस वीडियो में कि जो हीट होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है, जैसे कि हमने फ्राइंग पैन वाला केस देखा था स्टूडेंट्स। जब हम गर्म फ्राइंग पैन को हटाते हैं फायर के ऊपर से और मान लीजिए कि आप उसको साइड में कहीं सेल्फ पे रख देते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उसको वहां से उठाते हैं तो वो जो सेल्फ होती है, जो उसके नीचे का जो पार्ट होता है जहां पर आपने उसको रखा था, वो जगह गर्म हो जाती है, जबकि जो फ्राइंग पैन था उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो जो फ्राइंग पैन था उसकी हीट अब कहाँ ट्रांसफर हो गई, उस सेल्फ पे ट्रांसफर हो गई जहां आपने उसको रखा था। तो यही हमने आपको बताया कि जो फ्राइंग पैन है, जो उसकी हीट है, वो उसके आसपास के सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से हमेशा कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होती है, फ्लो होती है। और इस एक्टिविटी में अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि ये जो रोड है इसके इस एंड पर यहाँ पर ये फायर लगाई गई है, ये कैंडल के थ्रू इसको फायर दी गई है, तो ये पहले गर्म होगा और यहाँ से ये हीट ट्रांसफर होगी यानी हॉटर साइड से ट्रांसफर होगी कोल्डर साइड की तरफ। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हीट हॉटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ जा रही है, इसे हम कंडक्शन कहते हैं। देखिए आगे यही दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हीट हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ ट्रांसफर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, यहां पर वो ऑब्जेक्ट कौन था, ये रोड थी। तो इस प्रोसेस को यानी कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट के ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स वो जनरली किसके द्वारा होता है, कंडक्शन के द्वारा होता है, यानी हॉटर साइड से जो हीट है वो कोल्डर साइड की तरफ ट्रांसफर होती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या हर तरह का सब्सटेंस हीट को इजिली कंडक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि यहाँ पर हमने जो रोड ली थी वो एल्यूमिनियम या आयरन की रोड थी, तो उसके एक एंड को गर्म किया तो उसमें जो हीट थी वो दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती गई। लेकिन क्या ये हर तरह के सॉलिड में होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा हर तरह के सॉलिड में नहीं होता। जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट कंडक्ट करती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, इनमें हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो ये हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो मेटलिक पैन होता है, जो कि फ्रैंक पैन आपके घरों में होते हैं, किचन में यूज होते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं उन पे या तो प्लास्टिक की कवरिंग होती है या लकड़ी की कवरिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि जो बर्तन जब गर्म होता है, जब फ्रैंक पैन, जो कुकिंग पैन आपका जब गर्म होता है फायर की वजह से, फ्लेम की वजह से, तो वो हीट को कंडक्ट करता है और हीट को वो जहां तक उसका मैटर बना होता है वहां तक वो उसको ट्रांसफर करता है। तो जब वो हैंडल वाला पार्ट आता है, मान लीजिए कि वहां पर प्लास्टिक या लकड़ी अगर नहीं लगी होगी तो वहां पर भी हीट पहुंच जाएगी और आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हैंडल वाले पार्ट पे प्लास्टिक या लकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही हीट को कंडक्ट नहीं करते, हीट को अपने में से पास होने नहीं देते हैं। तो कितना भी गर्म आपका पैन हो जाए, कितना भी गर्म वो कुकिंग के लिए यूज होने वाला फ्राइंग पैन हो जाए, ये जो प्लास्टिक और लकड़ी के बने हुए हैंडल होते हैं ये गर्म नहीं होते, जिसकी वजह से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? और क्योंकि अगर हम लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए हैंडल से पकड़ते हैं फ्रैंक पैन को तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वहां पर ये कवरिंग नहीं होगी, प्लास्टिक या लकड़ी के बने हुए कवर अगर नहीं होगा, तो फिर हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हीट कंडक्ट होगी उस फ्रैंक पैन में वो उस हैंडल वाली जगह तक भी आ जाएगी और वो भी गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को कंडक्ट होने देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं
हैं जो हीट को अपने में से पास होने यानी कंडक्ट होने नहीं देते। और ये भी याद रखिएगा, जो मेटल्स होते हैं उनमें से हीट पास हो सकती है, यानी कि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, यानी वो हीट के कंडक्टर नहीं होते। अब हम एक्टिविटी 4.7 पढ़ेंगे। हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर। आपको गर्म पानी लेना है पैन में या बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। आपको कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, जैसे कि स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो स्टील स्पून है ये मेटल का बना हुआ है, जबकि प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर ये नॉन मेटल के बने हुए हैं। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। और इन सभी आर्टिकल्स को एक तरफ से, एक एंड से इस गर्म पानी में डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपने बीकर लिया, इसमें गर्म पानी है और इसमें आपने स्टील स्पून, स्केल, पेंसिल ये आपने इसके अंदर डाल दिए। इनका एक एंड अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से ये गर्म पानी में है, जबकि इनके ऊपर दूसरा जो एंड है ये गर्म पानी में नहीं है, ये बाहर की तरफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ देर आपको वेट करना है। टच दी अदर एंड, और उसके बाद आपको दूसरे एंड को टच करना है इन्हीं आर्टिकल्स, इन्हीं चीजों के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो स्टील स्पून है जिसका एक एंड यहाँ गर्म पानी में है और एक एंड यहाँ बाहर है। एक ये पेंसिल नजर आ रही है, इसका भी एक एंड गर्म पानी में है, एक एंड बाहर है। ऐसे ये प्लास्टिक स्केल है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मेटल होते हैं उनमें हीट का कंडक्शन होता है, तो ये जो मेटलिक यहाँ पर स्टील स्पून है जो मेटल का बना हुआ है, इसका एक एंड कहाँ पर था, गर्म पानी में। तो इसकी जो हीट रही होगी, ये वाली जो इसके इस एंड को टच कर रही थी, वो यहां से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुई होगी। तो जब आप यहाँ पर इस स्टील स्पून को टच करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा हीट फील आएगा कि इसमें यहाँ पर भी गर्मी है, क्योंकि इसमें हीट यहां से ऊपर की तरफ ट्रांसफर हुई होगी। जबकि ये जो वुड की बनी हुई यानी लकड़ी की बनी हुई पेंसिल आप देखेंगे, या ये जो आप प्लास्टिक का स्केल देखेंगे, इनमें इस तरफ से इनको अगर टच करेंगे तो आपको हीट बिल्कुल भी फील नहीं होगी, क्योंकि ये जो बने हुए हैं ये नॉन मेटल के बने हुए हैं, लकड़ी के और प्लास्टिक के। और लकड़ी और प्लास्टिक जो नॉन मेटल के बने हैं इनमें हीट कंडक्ट नहीं होती। तो इनका एक एंड अगर यहाँ पर गर्म पानी में है भी, तो वो हीट ऊपर की तरफ नहीं आई होगी। तो ये दोनों यहां से भी ठंडे आपको फील होंगे, जबकि जो स्टील स्पून जो मेटल का बना हुआ है उसमें हीट नीचे से ऊपर आई होगी, हीट का कंडक्शन हुआ होगा, तो इसका ये एंड भी आपको गर्म फील होगा। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल स्टूडेंट्स जो कि हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर्स कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। यहाँ पर ये जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं ये मेटल्स के ही एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये सभी मेटल्स होते हैं और मेटल्स अपने अंदर से हीट को कंडक्ट होने देते हैं। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से इजली पास नहीं होने देते, उन्हें हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी कहते हैं, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। जैसे कि प्लास्टिक और वुड यानी लकड़ी। पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। तो यहाँ आप याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। द वॉटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो वॉटर और एयर है ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वॉटर और एयर भी अपने अंदर से हीट को पास होना अलाउ नहीं करते। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंसेस। तो वॉटर और एयर में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, अब हम इसी को पढ़ेंगे। अब हम एक्टिविटी 4.8 देखेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान देना स्टूडेंट्स कि इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो कंडक्शन के बारे में था, कि अगर आप मेटल का बना हुआ कोई चीज लेते हैं और अगर आप उसके एक एंड को गर्म करते हैं तो हीट उसके दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अब जो एक्टिविटी हम देखेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। आप एक ऐसा फ्लास्क लीजिए जिसका बॉटम नीचे से राउंड है, और अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप एक बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इट टू थर्ड्स विद वॉटर, और उसके टू थर्ड पार्ट को आप पानी से भर लीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड,
और उसके बाद उसको एक स्टैंड के ऊपर रखिए और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। और अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो इस तरीके से उस फ्लास्क या बीकर को अरेंज कीजिए कि उसके नीचे आप कैंडल जलाकर उसको हीट दे सके। वेट टिल द वॉटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और उसके बाद वेट कीजिए जब तक कि पानी बिल्कुल रुक नहीं जाता, स्टिल नहीं हो जाता, यानी जो हिलना होता है पानी का उसके रुकने तक का वेट कीजिए। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ, और उसके बाद उस फ्लास्क के बिल्कुल नीचे बड़े आराम से आपने पोटेशियम परमैंगनेट रखना है, उसका एक क्रिस्टल यानी उसका एक टुकड़ा रखना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, तो ये आपने बिल्कुल आराम से उसके नीचे की साइड पे रख देना है। नाउ हीट द वॉटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, और उसके बाद उस जहां पर फ्लास्क के नीचे जहां पर क्रिस्टल था उसके बिल्कुल नीचे की तरफ आपने कैंडल जला देनी है। हम आपको ये डायग्राम के थ्रू भी यहाँ दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक फ्लास्क लिया और इसको यहाँ पर इतना पानी से भर दिया है, ये यहां से यहां तक ये पानी से भरा हुआ है। यहां पर हमने क्या रखा, वो पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पर क्रिस्टल रख दिया, और ये एक ट्राइपॉड, ये तीन पैरों वाला ये स्टैंड था जिसके ऊपर इस फ्लास्क को रखा, और नीचे की तरफ यहां पर इसमें यहाँ कैंडल लगाई जिससे कि यहाँ पर हीट जा सके। अब हम आपको पहले बता देते हैं किस तरीके से काम करेगा, फिर हम इसको बुक में भी पढ़ लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से जब हम ये फायर स्टार्ट करते हैं तो ये वाला हिस्सा सबसे पहले गर्म होगा क्योंकि ये फायर के सबसे क्लोज है। अब यहां पर ये किस तरीके से काम करता है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर सबसे पहले पानी का ये वाला पार्ट गर्म होगा, और जब पानी का ये वाला पार्ट गर्म होगा तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठते हैं। पानी के पार्टिकल्स जब गर्म होते हैं तो ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ये पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर जाएंगे और जो ऊपर से ठंडा वाला पार्ट है पानी का वो नीचे आना शुरू करेगा। जब ये ठंडा वाला पार्ट नीचे आएगा तो ये भी गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है जब तक कि ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता, कि पानी के पार्टिकल्स गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं और जो ठंडा पार्ट है पानी का, जो पानी के ठंडे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ साइड से नीचे आते रहते हैं, हीट हासिल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये कंडक्शन नहीं है, अगर ये कंडक्शन होता स्टूडेंट्स तो यहाँ पर पानी जैसे ही गर्म होता ये हीट आगे ट्रांसफर कर देता, लेकिन यहाँ तो हीट आगे ट्रांसफर हो ही नहीं रही है, यहाँ तो पानी के हर पार्टिकल को, जो ठंडा पार्टिकल है उसको नीचे आना पड़ रहा है, वो हीट लेता है और फिर वो ऊपर की तरफ उठता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, और वाटर में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू होती है, ये कंडक्शन नहीं है ये कन्वेक्शन है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। When water is heated, जब वाटर को गर्म किया जाता है, the water near the flame gets hot, तो जो वाटर का वो पार्ट जो फ्लेम यानी फायर के सबसे पास होता है, जो निचला हिस्सा है फ्लास्क का, वहां पर जो पानी है वो जल्दी गर्म होता है। हॉट वाटर राइजेज अप, पानी नीचे से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, और जो साइड्स की तरफ से ठंडा पानी नीचे हीट की तरफ जाता है। दिस वॉटर ऑल्सो गेट्स हॉट, फिर ये पानी भी गर्म होता है। एंड राइजेज, और ऊपर की तरफ उठता है। एंड वॉटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और इसी तरीके से जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे की तरफ आता रहता है। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूस टिल द होल वॉटर गेट्स हीटेड, ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, इस तरीके से हीट का जो ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट हमें दिया गया स्टूडेंट्स, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, हीट हवा में किस तरीके से ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रेवल करती है। तो यहां पर आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे पानी में हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है, वैसे ही एयर यानी हवा में भी हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू ही होता है। तो यहां हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, जबकि वाटर और एयर यानी कि पानी और हवा में हीट का ट्रांसफर दोनों में ही कन्वेक्शन मेथड के थ्रू होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, जो स्मोक है धुआं है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, किस डायरेक्शन में जाता है, अब हम ये देखेंगे। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, जब हवा को हीट का एक सोर्स मिल जाता है, जब हवा गर्म होती है तो वो राइज करती है यानी ऊपर की तरफ उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स
कम इन टू टेक इट्स प्लेस। और ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ गई, हवा गर्म हुई और ऊपर की तरफ चली गई, तो इसके नीचे की जो खाली जगह बचती है स्टूडेंट्स, जो ठंडी हवा होती है साइड की, वो वहां पर उस जगह को आकर भर देती है, फिर वो भी गर्म होती है, फिर वो भी ऊपर उठ जाती है, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरीके से हवा गर्म होती रहती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया, अब जो एक्टिविटी हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये प्रोसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्टिविटी 4.9 पढ़ेंगे। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल जलाइए। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हाथ को तो उसके ऊपर की तरफ करिए, यानी कैंडल जहां जल रही है उसके ऊपर की तरफ रखना है। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और एक हाथ को आपने साइड की तरफ रखना है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया भी गया स्टूडेंट्स। ये देखिए, यहाँ पर ये कैंडल जल रही है, एक हाथ को तो यहाँ बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ रखा गया है, लेकिन इतना डिस्टेंस बना के रखना है आपने स्टूडेंट्स कि आपका हाथ जले नहीं, यानी बिल्कुल पास में नहीं रखना। और दूसरे हाथ को देखिए साइड में रखा गया है, एक हाथ फ्लेम के ऊपर है और एक साइड में है। अब देखिए, डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों ही हैंड्स पर आपको एक समान यानी इक्वल हीट यानी इक्वल गर्मी फील हो रही है? इफ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर, और अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा वो हाथ है इन दोनों दोनों में से जिस पर ज्यादा गर्मी फील हो रही है आपको, एंड वाई और क्यों? और यहाँ पर ये प्रिकॉशंस भी दी गई है, बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, और अपने हाथों को सेफ डिस्टेंस पर रखिए फ्लेम से ताकि वो जले नहीं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि देखिए ये फ्लेम जल रही है यहाँ पर कैंडल के ऊपर, यहाँ पर फ्लेम है, एक हाथ तो हमने साइड में रखा है और एक हाथ को यहाँ फ्लेम के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड की वजह से क्या होगा कि जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और ठंडी हवा उसकी जगह लेगी। देखिए, ये जो फ्लेम है इसके ऊपर जो हवा है वो हवा इस फ्लेम के बहुत क्लोज है, तो वो पहले गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और इस गर्म हवा के ऊपर उठने से जो यहाँ पर खाली जगह बनेगी, जो साइड की ठंडी हवा है वो उसकी जगह पर आ जाएगी, फिर ये गर्म होगी, ये ऊपर उठेगी, फिर खाली जगह बनेगी, फिर ठंडी हवा इधर आएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जब हवा गर्म होती है तो ये ऊपर की तरफ उठ रही है, और गर्म हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाला जो ऊपर की तरफ आपने हाथ रखा हुआ है इसको गर्मी फील होगी, क्योंकि ये गर्म हवा को टच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन मेथड काम कर रहा है। हवा गर्म हो रही है और ऊपर जा रही है, और ठंडी हवा इस तरफ आ रही है, फिर वो गर्म हो रही है, वो भी ऊपर जा रही है, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। जबकि जो साइड में आपने हाथ रखा है स्टूडेंट्स, उस पे आपको गर्मी फील नहीं होगी, क्योंकि जब हवा गर्म हो रही है वो साइड में नहीं जा रही, वो तो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहां पर कन्वेक्शन मेथड हमने कैसे देखा कि हवा गर्म हुई ऊपर की तरफ गई, और जो खाली जगह बनी यहां पर वो ठंडी हवा ने यहां आकर ले ली, फिर वो भी गर्म हुई, वो भी ऊपर की तरफ गई, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। देखिए, यही यहां पर दिया गया है, नोटिस दैट टुवार्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठती है, किस प्रोसेस के द्वारा? कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। देयर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो फ्लेम के ऊपर वाला जो ये हैंड है इसको गर्मी फील होती है। ऑन दी साइड्स हाउ एवर देर इज नो कन्वेक्शन, साइड वाले हैंड की तरफ कन्वेक्शन नहीं हो रही है, हवा गर्म होकर साइड में नहीं जा रही है बल्कि वो तो ऊपर जा रही है। एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, तो साइड वाले हाथ पे आपको गर्मी फील नहीं होगी जबकि ऊपर वाले हाथ पे आपको गर्मी फील होगी। इसके बाद हम एक फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि कोस्टल एरिया के लोगों को एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो समुन्दर के किनारे रहने वाले लोग हैं, तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो इस फिनोमिना को फील करते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना, देखिए जो कोस्टल एरियाज तटीय इलाके समुन्दर के किनारे रहने वाले जो लोग हैं वो इस फिनोमिना को फील करते हैं। इसको आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये डायग्राम्स की मदद से आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद वो आगे जब हम रीड करेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर दो दो टाइम को ध्यान में रखना है, एक डे टाइम और एक नाइट टाइम। और यहां पर देखिए, एक साइड में सी है, समुंदर है, और एक साइड पर ये जमीन है जहां पर लोग रह रहे हैं। अब जो लैंड होती है, जो जमीन होती है स्टूडेंट्स, ये दिन के समय सूरज की गर्मी की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है, लैंड जल्दी गर्म होती है, जबकि समुंदर जल्दी गर्म नहीं होता।
तो लैंड जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसके टच में जो हवा होती है यानी कि जमीन लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड गर्म हो गई तो वो हवा गर्म होकर जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। और फिर ये नीचे की जगह जो खाली हो जाती है समुंदर की तरफ की जो हवा होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अभी उतनी गर्म नहीं होती क्योंकि ये ठंडी रहती है अभी, तो ये उस खाली जगह को भरने के लिए जमीन की तरफ आ जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि जमीन के ऊपर वाली हवा गर्म हुई ऊपर की तरफ उठी, नीचे जो खाली जगह बन गई है अब उसको भरने के लिए समुंदर की ठंडी हवा आ जाती है। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है कि जो जमीन के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठी वो ऐसे ऊपर उठ के इधर समुंदर की तरफ आती है, और समुंदर की तरफ आने पे उसे कम टेम्परेचर मिलता है तो वो यहां पर आकर ठंडी होके वापस इधर से फिर से वापस इधर जमीन की तरफ आती है। देखिए जमीन के ऊपर की हवा गर्म हुई वो इधर समुंदर की तरफ आई, सी की तरफ आई, यहां पर टेम्परेचर कम है तो यहां पर आकर वो फिर ठंडी हो गई, और फिर यहां पर जमीन के ऊपर की हवा फिर से गर्म होकर ऊपर जा रही है और ये वाली ठंडी हवा वापस इधर इस जगह को भरने आ जाती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। दिन के समय जो हवाएं चलती है स्टूडेंट्स वो सी यानी समुंदर से जमीन की तरफ चलती हैं और ये ठंडी हवाएं होती हैं। इसीलिए जो यहाँ पर घरों की खिड़कियां होती है दिन के समय लोग यहाँ पर ये जो समुंदर की तरफ वाली जो खिड़कियां होती है जो विंडो होती है उसको खोल के रखते हैं ताकि समुंदर की तरफ से ठंडी हवा उनको घरों में फील हो सके। अब यहां पर आपने ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि डे टाइम में दिन के समय सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ये ठंडी हवाएं चलती हैं इनको हम कहते हैं सी ब्रीज। अब देखिए नाइट के टाइम पर क्या होता है, नाइट के टाइम पर जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन के समय हमने क्या देखा कि लैंड जल्दी गर्म हो जाता है और सी जल्दी गर्म नहीं होता। रात के समय इसका अपोजिट होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है जबकि सी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। तो रात के समय समुन्दर के ऊपर की जो हवाएं होती हैं ये गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, जबकि जो जमीन के टच में जो हवा होती है क्योंकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय तो इसके ऊपर की हवा ठंडी हो जाती है। तो समुंदर की गर्म हवा ऊपर उठती है और जो जमीन की ठंडी हवा है वो समुंदर की तरफ जाती है और इस खाली जगह को भर देती है। अब यहां पर आपने ये भी याद रखना है कि सी के ऊपर जो ये हवा गर्म होकर ऊपर उठी ये आती है इधर लैंड की तरफ, और लैंड के ऊपर क्योंकि टेम्परेचर अब रात के समय कम होता है तो यहां कर इस हवा का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी होकर नीचे आती है और वापस ये इसके बाद इस तरफ आती है। समुन्दर के ऊपर की हवा गर्म होती रहती है ऊपर उठती रहती है, लैंड की तरफ से जो हवा है वो ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए इस तरफ आती रहती है, और इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। क्योंकि समुंदर के ऊपर से जो हवा उठी गर्म होकर वो जब लैंड की तरफ आई तो वो भी ठंडी हो गई, वो जब इस तरफ आई तो वापस वो ठंडी हवा इस तरफ इस खाली जगह को भरने आ जाती है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नाइट टाइम में रात के समय लैंड यानी जमीन की तरफ से जो हवाएं ये समुंदर सी की तरफ चलती हैं इनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। दिन के समय सी से लैंड की तरफ चलती है ठंडी हवाएं उनको हम कहते हैं सी ब्रीज, रात के समय लैंड से ठंडी हवाएं चलती हैं सी की तरफ इनको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। अभी हमने आपको जो समझाया स्टूडेंट्स देखिए यहां पर यही लिखा है, ड्यूरिंग द डे दिन के समय द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वॉटर। दिन के समय जो जमीन जो लैंड होती है वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है, किसके कंपैरिजन में, वॉटर के कंपैरिजन में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। अब जब लैंड गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है, जो जमीन के ऊपर गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाती है तो नीचे की जगह वो खाली हो जाती है, तो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं होती है समुन्दर की जो ठंडी हवाएं होती है वो उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स दिन के समय सी की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है जमीन यानी लैंड की तरफ। अब आगे लिखा गया स्टूडेंट्स द वॉर्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स
टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। हमने आपको ये भी बताया था कि लैंड के ऊपर की जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है वो सी की तरफ जाती है और इस तरीके से साइकिल पूरा हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। दिन के समय सी की तरफ से लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। कोस्टल एरिया में जो घर होते हैं स्टूडेंट्स उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो उस तरफ बनाई जाती हैं जिस तरफ की समुंदर होता है यानी सी होता है, ताकि सी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं घर में आ सके। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के समय बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। द वॉटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात के समय जो लैंड जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि समुन्दर का पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी। तो रात के समय क्योंकि समुन्दर का जो पानी है वो गर्म है, तो उसके ऊपर की हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और वहां पर खाली जगह बन जाती है, और लैंड क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है रात के समय तो उसकी ठंडी हवाएं समुन्दर की तरफ चलती है और उस खाली जगह को भर देती है। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज। रात के समय लैंड की तरफ से जो ठंडी हवाएं समुन्दर की तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहां हमने देखा स्टूडेंट्स कि दिन के समय जो समुन्दर की ठंडी हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ चलती है जिन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं, और रात के समय इसका अपोजिट होता है। रात के समय लैंड की तरफ से ठंडी हवाएं चलती है सी यानी समुन्दर की तरफ, इन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूरज की रोशनी में आते हैं वी फील वार्म, हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। सूरज की हीट, सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि यहां हमसे कहा गया है कि जो सन की हीट है, जो सूरज की गर्मी है, वो हम तक कंडक्शन के थ्रू भी नहीं पहुंच सकती और कन्वेक्शन के थ्रू भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि कोई मैटर की बनी हुई कोई चीज हो या पानी हो या हवा हो, तो एक मीडियम वहां पर जरूरी होता है जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है। लेकिन अर्थ और सन के बीच में तो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, जहां पर हवा भी नहीं होती। तो सूरज की गर्मी जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है जबकि उसके पास कोई मीडियम भी नहीं होता? अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से जो गर्मी है, जो हीट है, वो हम तक कैसे पहुंचती है स्टूडेंट्स? उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। देखिए अभी तक अब हम तीन प्रोसेस देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कंडक्शन, फिर हमने देखा था कन्वेक्शन, और यहाँ ये तीसरा प्रोसेस है जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, और इसे कहा जाता है रेडिएशन। जो रेडिएशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसमें सूरज की गर्मी अर्थ तक यानी हम तक आती है, वो भी बिना किसी मीडियम के, क्योंकि सूरज और धरती के बीच में तो हवा भी नहीं होती, तो ये बिना मीडियम के ही सूरज की हीट ये ट्रेवल करती है। इस प्रोसेस को यहाँ रेडिएशन कहा गया है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। अगर मीडियम है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है, अगर मीडियम नहीं है तब भी ये हीट ट्रांसफर हो जाती है। वेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब आप सर्दियों के दिनों में स्टूडेंट्स अपने कमरे में हीटर लगाते हैं तो वो जो हीटर की हीट है वो आप तक किस प्रोसेस के द्वारा आती है? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा ही आती है। हीटर क्या करता है? अपनी हीट को अपनी सराउंडिंग में ट्रांसफर करता है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। जब आप एक यूटेंसिल यानी बर्तन को फ्लेम से उतारते हैं, आग से उतारते हैं, तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो अपनी सारी हीट को ट्रांसफर कर देता है अपने आसपास की सराउंडिंग में। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। अवर बॉडी टू
गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी भी अपनी हीट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर करती है और बाहर सराउंडिंग से हीट को वो रिसीव भी करती है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद यहां हमसे कहा गया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज गर्म चीजें होती हैं, ये अपनी हीट को रेडिएट करती हैं, यानी अपनी हीट को ट्रांसफर करती है अपने आसपास की सराउंडिंग में। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, और जब ये हीट किसी और चीज पर पड़ती है, किसी और चीज के टच में आती है, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, तो इस हीट का कुछ पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब, और कुछ पार्ट उसका उस चीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और उस हीट का कुछ पार्ट उस चीज में से पास कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और उस चीज के टेम्परेचर में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस चीज ने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला वेन यू गो आउट इन द सन। जब गर्मियों के दिनों में आप बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है स्टूडेंट्स कि आप अम्ब्रेला ले लें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप अम्ब्रेला यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो सूरज की जो हीट है, जो उसकी रोशनी अम्ब्रेला पे पड़ती है, वो उसका एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर देती है और उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि जो सूरज की हीट है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। गर्मियों के दिनों में हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनना एंड विंटर में हम प्रेफर करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनना। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स, इस चीज को हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैंस। आप एक ही तरह की दो टिन कैन लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट। एक को बाहर की तरफ से ब्लैक पेंट कर दीजिए और दूसरे टिन कैन को बाहर की तरफ से व्हाइट पेंट कर दीजिए। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वॉटर इन ईच। दोनों में एक समान पानी डाल दीजिए। एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। और लगभग दोपहर के समय सूरज की रोशनी में उसको लगभग दोनों को ही एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन बोथ द कैंस। उसके बाद दोनों ही कैंस में आप जो पानी का टेम्परेचर है उसको यहाँ पर अब मेजर कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपको कोई टेम्परेचर में फर्क नजर में आता है? इन विच कैन इज द वॉटर वार्मर? आपको किस कैन में पानी ज्यादा गर्म मिलेगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वॉटर इन द टू कैंस। आप वॉटर को टच करके भी ये पता कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जिस कैन के ऊपर आपने ब्लैक पेंट किया था उसके अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर ज्यादा आपको मिलेगा किसके कंपैरिजन में? उस पानी के मुकाबले जो कि उस कैन के अंदर रखा गया जिसको आपने बाहर से व्हाइट पेंट किया। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लैक कलर होता है ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो व्हाइट कलर होता है ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए हुआ क्या होगा कि सूरज की रोशनी तो दोनों ही कंटेनर के अंदर जो ये पानी रखा था दोनों पे पड़ी होगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर तो दोनों का ही बढ़ गया होगा और इक्वली बड़ा होगा क्योंकि सनलाइट तो दोनों पे पड़ रही थी। लेकिन फर्क कहां पर आया? फर्क यहां पर आया कि ये वाला जो कंटेनर है जिसपे बाहर से ब्लैक पेंट किया गया था इसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करी, तो इसका जो पानी अंदर है इसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया। जबकि इस कंटेनर में क्या हुआ, थोड़ी सी हीट तो इसके ऊपर पड़ी रही है जो कि इस पर भी पड़ रही थी, तो थोड़ा टेम्परेचर तो इसका भी बढ़ा, लेकिन इसका जो ये व्हाइट पेंट है, जो व्हाइट कलर है जो बाहर किया गया है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है बल्कि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका ज्यादा बढ़ेगा। इसके बाद हम एक एक्टिविटी और करेंगे स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4.11।
Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degrees Celsius. यहाँ हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि जो हमने पिछली एक्टिविटी करी थी उसमें हमने दो कैंस ली थी, एक को बाहर से ब्लैक पेंट किया था और दूसरे कैन को बाहर से व्हाइट कलर का पेंट किया था. वही दो कैंस हमें दोबारा यूज करनी है, उनमें सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालना है. कौन से टेम्परेचर का, कौन से डिग्री सेल्सियस का? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला वाटर दोनों में सेम अमाउंट का डालना है. लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड, और उसके बाद उन दोनों ही कैंस को एक कमरे में या कहीं छाया में रख दीजिए. नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद दोनों ही कैंस के पानी का टेम्परेचर चेक कीजिए. डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों ही कैंस में रखे हुए पानी का टेम्परेचर एक समान नीचे की तरफ आता है? अब यहां पर इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो ब्लैक पेंट किया हुआ कैन है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ब्लैक कलर जैसा कि हमने आपको बताया हीट एब्जॉर्ब करता है. तो ब्लैक पेंट किए हुए कैन के अंदर जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, उसका टेम्परेचर ज्यादा बना रहेगा और वो भी ज्यादा देर तक. जबकि जो व्हाइट पेंट किया हुआ कैन है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि व्हाइट कलर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता. तो उस पानी का जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन हो जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा. Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in the summer and dark colored clothes इन द विंटर? अब इन एक्टिविटीज को पढ़ने के बाद हम ये आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि गर्मियों के दिनों में हम व्हाइट या लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर्ड क्लॉथ यानी कि गाढ़े रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं. डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयर फोर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर. सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि डार्क कलर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो सर्दियों के दिनों में इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है. लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयर फोर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर. जबकि गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो जल्दी नहीं बढ़ता है. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर. वुलन क्लोथ्स यानी कि ऊन के बने हुए कपड़े हमें सर्दियों में किस तरीके से गर्मी देते हैं, हमें गर्म रखते हैं. इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स, सर्दियों के दिनों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं यानी ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं. वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्टूडेंट्स, यानी ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर या पास होने नहीं देता. मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, जो वूल फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनमें हवा होती है और हवा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी ये हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देती. दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स सो वी फील वार्म. तो ये जो एयर होती है वूल फाइबर्स के अंदर, ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देती, ट्रांसफर नहीं होने देती, जिससे कि हमारी बॉडी की हीट, हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है. इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर. आपको सर्दियों में यहां पर ये चॉइस दी जाती है स्टूडेंट्स के या तो आप एक मोटा ब्लैंकेट यूज करें या फिर दो पतले ब्लैंकेट यूज करें जो आपस में जोड़े गए हैं. वट वुड यू चूज एंड वाई, आप कौन सी चॉइस को लेंगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स. तो यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप दो पतले ब्लैंकेट्स जो आपस में जोड़े गए हैं उनको अगर आप यूज करते हैं तो उनके बीच में हवा होगी और वो जो हवा होती है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये आपकी बॉडी की हीट को बाहर ट्रांसफर होने से रोकती है. तो अगर आप दो पतले जुड़े हुए ब्लैंकेट्स यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो हवा होगी वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, तो इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो आपकी बॉडी की हीट है वो कम नहीं होगी बल्कि बनी रहेगी.
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।